खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रामकोला थाना अंतर्गत बीते कुछ दिनों से चोरी की घटनाओं ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। चोरों ने ग्रामीण क्षेत्रों से सरकारी पंचायत भवन के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के घरों को निशाना बनाया था। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के दोनों चोरों के पास से 15 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया है। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। थाना रामकोला और पुलिस और जो है स्वाट टीम द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में पंचायत घरों और घरों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग के द्वारा जो है पंचायत घरों में और घरों में जो है चोरी घटनाएं की कार्य की गई है। इनके कब्जे से काफी संख्या में बैटरी, इन्वर्टर और अन्य सामग्री बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। जिनके कब्जे से 2 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके संबंध में जनपद महाराजगंज में अभियुक्त निर्देश है। अभियुक्त जो है राजू यादव, निवासी नरकटिया थाना रामकोला, और दूसरा अभियुक्त है कलामुद्दीन अंसारी, निवासी बरमौली थाना रामकोला। इसमें राजू यादव का अपराधी इतिहास भी है। इस घटना में जो है 11 जनपद में 11 चोरियों का सफल अनावरण हुआ और उससे चोरी गए माल की जो है बरामदगी हुई है। इस सफल अनावरण और बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। चोरी कैसे कर रहे थे ये लोग? ये चूंकि पंचायत घर का साफ टारगेट होता था, वहां पे रात के समय में ये जो वहां पे इनसे जो उपकरण बरामद हुए उनकी सहायता से जो है घरों में पंचायत घर में घुस कर जो है ये चोरी करते थे। और बाइक से जो उनसे पूछताछ हुई, बाइक से रहते थे, बाइक पर ही सारी चीजें रखे ले जाते थे।